हाई एवरी वन आई होप यू आर आर डूइंग गुड सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फुटबेयर कलेक्शन विच आई एम ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट साइट्स सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट आवर ब्लॉग फॉर टूडे सो फर्स्ट ऑफ आल आई एम गो नाट शेयर विथ यू दिस पुमा शूज विच आई हैव ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट लेट मी शो यू हाउ इट इज सो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका लुक यू कैन सी यर गाइज दिस इज़ अ पिंक कलर शूज एंड यहाँ पे आपको ब्लू कलर का कुछ इस टाइप का वो डिज़ाइन मिल जाता है अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ ना गईस तो नो डाउट मेरे को पुमा के सारे ही शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ बट दिस शूज़ इज समथिंग विच यू कैन अफोर्ड इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस शूज आई गॉट इट एट रुपीज़ वन टू डबल ज़ीरो सो इन दिस प्राइस यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस बिकॉज इस प्राइस में ना आपको इतना कंफर्टेबल शूज़ कहीं नहीं मिलने वाला है स्पेशली पूमा के तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले सो जस्ट गो फॉर इट बिकाइज दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द शूज़ एंड इस शूज़ के ना काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे आई गेस अनदर वन इज़ द ब्लैक वन जो कि मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से एंड uh, इसके ना साइज़ भी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको अगर आप चाहो तो इसके ऑफिशियल साइट से परचेज़ कर सकते हो बट आई वुड सजेस्ट कि आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो बिकॉज़ वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो ऑफ़र मिल ही जाएगा सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट परचेज विच इज़ ऑल्सो अ शूज़ लेट मी शो यू एंड दिस इज़ फ्राम द ब्रांड नी मैंस गई जिस ब्रांड की शूज़ ना मैंने पहली बार ऑर्डर किया है तो so, मैं अभी आपको बता नहीं सकती ये कैसा है नहीं है बट डेफिनेटली मैं आपके साथ रिव्यू जरूर शेयर करूंगी आफ्टर यूजिंग इट सो फिलहाल के लिए देखते हैं ये कैसा है अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो नो डाउट यू कैन सी हेयर पैकेजिंग इज रियली वेरी ऑसम सो लेट्स ओपन इट एंड सी हाउ इट इज सो गाइज इट्स अ ब्लैक कलर शूज एंड यू कैन सी हेयर बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में मेरे को तो बहुत पसंद आया और आई गेस ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होने वाली है एयर यू गेट अ लोगो एंड दिस इज द बैक पोर्शन ओवरऑल आई लव दिस शूज इट लुक्स रियली वेरी क्लासी यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स प्राइस द प्राइस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल एक्चुअली ये मैं ना मैंने uh, क्रेट से परचेज़ किया है तो मुझे ना ये समथिंग अराउंड वन थाउजेंड में uh, रिसीव हुई है सो so, इफ़ यू सी हेअर गाइज़ यहाँ पर भी इन्होंने लोगो डाल रखी है एंड दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ द शूज़ इसके भी काफ़ी सारे आपको साइज़ अवेलेबल मिल जाएंगे आप ईजी से भी परचेज़ कर सकते हो सो so गाइज़ दोनों ही शूज़ के लिंक ना आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड दिस द फ्लैट फ्रॉम जूडियो यू कैन सी हेयर गाइज़ एंड ये वाला जो फ्लैट है ना वो मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है और जो कलर है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगता है ट्रस्ट मी इट लुक्स सो अमेजिंग आफ्टर वेयरिंग सो इसके कलर ऑप्शन में आपको ब्लैक कलर अवेलेबल मिल जाएगा वो भी परचेज कर सकते हो वो भी बहुत औसम awesome लगता है गाइज सो so, अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना तो नो no डाउट इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स प्राइस यू कैन सी हियर इट्स जस्ट टू टू नाइन नाइन एंड इस स्लीपर के साथ ना मैं ईजिली पाँच छः घंटे आराम से ट्रैवल कर सकती हूँ आराम से चल सकती हूँ विदाउट हैविंग पेन सो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन ट्राई एंड ऑलमोस्ट डूडियो के सारे ही स्लीपर्स हील्स मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज एक तो वो अफोर्डेबल प्राइस में हो जाता है प्लस लुक्स भी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको मूविंग ऑन टू द अनादाव इज़ ऑल्सो अ फ्लैट विच आई हैव ऑर्डर फ्रॉम मीशो सो so गाइज आप देख सकते हो ये जो फ़्लैट है ना बहुत सुंदर सा फ्लैट है एंड स्पेशली अगर आप इसे एथनिक के साथ पहनो ना तो ये बहुत प्यारा लगता है स्पेशली uh, मैंने इसे साड़ी के साथ ट्राई किया है सारी के साथ तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ सो यू शुड डेफिनेटली परचेज़ दिस एंड आई गॉट दिस एट रुपीज़ थ्री हंड्रेड सो इन दिस प्राइस दिस इज़ समथिंग विच यू कैन गो फॉर बहुत सुंदर सा है ये एंड गई इज़ वन मोर थिंग इसके ऊपर ना स्टोन्स नहीं लगे हुए दिस इज समथिंग अनदर मटेरियल मेरे को ये ब्लैक वाली सबसे ज़्यादा पसंद आई तो मैंने ब्लैक लिया बट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो सो मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट गाइज बिकॉज अभी तक की ना ये मेरी फेवरेट हिल है टिल नाउ मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है लेट मी शो यू सो दिस इज द हील विच आई एम टॉकिंग अबाउट यू कैन सी ही लुक एंड ये मैंने किन्स के ऑफलाइन uh, स्टोर से परचेज की है एंड आई गॉट दिस हील एट रुपीज़ वन एट नाइन नाइन एंड अगर मैं इसके कलर ऑप्शन की बात करूँ तो आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे लाइक like रेड ये वाली जो हील है ना दिस इज़ समथिंग डिफरेंट बिकॉज ये पहनने के बाद ना मेरे को बहुत कम्फर्टेबल फील होता है लाइक like, आपको लगेगा ना कि आपने हील ही नहीं पहनी है लाइक like, यूजली क्या होता है ना कि बहुत पेन होने लगता है ल, पैरों में काफ़ी टाइम तक हील यूज़ करने के बाद और इस वाले में ना ये चीज़ नहीं थी हील्स आर ट्रांसपेरेंट एंड द डिज़ाइन इज़ सो अमेजिंग मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी बहुत ज़्यादा मैंने इसे ऑफलाइन स्टोर से परचेज़ किया है सो so गाइज अगर आपको पसंद आया हो तो आप भी परचेज कर सकते हो सो गाइज़ लेट मी शो यू द क्लोजर लुक ऑफ दिस हील यू कैन सी हीयर आपको यहाँ पे ना ऑल ओवर द हील ऐसी ए डी स्टोन्स मिल जाते हैं एंड आप खुद देख सकते हो गाई से कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है आपको ऐसी हील्स ना फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर अवेलेबल मिल जाएंगे समथिंग अराउंड फोर हंड्रेड फोर टू सिक्स हंड्रेड बट द थिंग इज़ कि आपको ना ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी द थिंग इज़ कि आपको जो स्टोन्स मिलेंगे ना वो बिल्कुल भी शाइन नहीं करते हुए मिलेंगे सो यू कैन सी हीयर इस वाले हील में न बहुत ज़्यादा शाइन है स्पेशली अगर लाइट्स ऑफ होना तब भी ये बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं सो यू शुड मस्ट ट्राई दिज हील्स फ्रॉम किन्स सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप यू इंजॉयड माई वीडियो सो अगर पसंद आए हो या फिर वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर